किसान जो है वो चिलचिलाती धूप में अपने खेतों का ख्याल रखता है, मजदूर सारा दिन धूप में मजदूरी करता है, भट्टों पर काम करने वाले और तमाम हार्ड लेबर करने वाले दिन भर चिलचिलाती धूप का सामना करते हैं। कभी वहाँ से ऐसी कोई खबरें, क्या पहले के वक्त में इस तरह की खबरें हम तक पहुँच नहीं पाती थीं? पहले भी लोगों के हार्ट फेल इस वजह से होते थे या अब होने लगे हैं? बिल्कुल नहीं, सुने आपने ठीक कहा है। देखो, हमने अपने दादा को, फूसाराम जी को और अपने पर जो है तीन तीन पीढ़ियों को देखा, परदादा को, सबको, कोई हार्ट अटैक नहीं होता था। चिलचिलाती धूप में 45-50 डिग्री पर हल जोता करते थे, आजकल एसी में बैठे बैठे टपाटप मर रहे। तो अब देखो, एक तो ये गर्मी, इसके लिए बता देते हैं, पहले लौकी का जूस पिए, एलोवेरा का जूस पिए और वाटरमेलन का, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी का प्रयोग करें, सत्तू, जौ का और चने का सत्तू, थोड़ा प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के, नींबू डाल करके पी ले, इतना ठंडा होता है। बस अर्थराइटिस वाले ध्यान रखना, नींबू और खट्टी चीज़ें मत लेना। और ठंडाई के तौर पर बेल का शरबत, गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, आम का पना, नारियल का पानी, नींबू पानी, घड़े का पानी, चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी, इतना ठंडा होता है, लाजवाब एकदम। और जिनको बहुत ही गर्मी लगती हो तो ये जो पीपल के नई नई कोपल आ रही है ना, पीपल के बेल के, शीशम के पत्ते पी लो रे, रामा रामा, इतना ठंडा हो जाता है। जल जमीनी पी लो तो पूरा जाम ही लग जाता है, चक्का जाम हो जाता है। तुलसी के, तुलसी या वन तुलसी के बीज रात को पानी में भिगो दो, सुबह तक गट्ठा, एकदम इतना स्वादिष्ट और इतना पौष्टिक होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी जी। चिया सीड आजकल बोलते हैं, चिया सीड आदि, और ये साफ बेजल या चिया के सीड जो है रात को भिगो दो, सुबह लो लो, एक होता है गोद कतीरा, रात को भिगो दो, सुबह पीला, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल रहेगा। मंडूकासन, योग उत्तरासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब तो करना ही है। हाँ, ये सामने कपूर है, देखो ये कपूर है। अब कपूर जो है ये थोड़ा गर्म होता है, अब इसको, इसके पत्तों को रगड़ो ना, कपूर जैसी खुशबू आती है इसमें। हाँ, तो आपको खैर ये दर्शन करा दिया अलग अलग। कोयल की कुकू की आवाज आ रही है और कितना प्राकृतिक सुरम्य दृश्य है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, स्वामी जलाओ ज्योति। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि साल 2021 के मुकाबले 2022 में अचानक मौत के मामलों में 12% का इजाफा हुआ है और कुल मामलों में 57% मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो स्वामी जी, लोगों का दिल इतना कमजोर क्यों हो गया, ये हुसैन ने भी पूछा था, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? लेकिन आपने डेटा जोड़ दिया उसमें। हाँ, देखो अभी ये हमारी जो है, पहले श्रुतिका जी, पूजा जी, ये तो जो है हमारी पक्की योगिनी हो गई है, सारे डेटा रिसर्च की बात ही नहीं करती है। तो देखो, रोज पवन मुक्तासन तो करना है, पवन मुक्तासन और मरकटासन, ये तो हमारी दिनचर्या के हिस्से हो गए। तो ये अचानक मौतें होने का कारण सिंथेटिक दवा, हर बात में एंटीबायोटिक्स, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, जहरीली दवाइयाँ, जहरीली हवाएं, जहरीला आहार, एयर, वाटर, सोयल, सब कुछ पोल्यूशन हो गए, लोगों के मनों में सरसता खो गई है, भीतर से आक्रोश है, पीड़ा है, बहुत प्रकार के असमंजस्य है, तो ये सब कारण बन जाते हैं। तो क्या करें? तो एक तो ये ABCD के कारण का तो निवारण हम बता ही रहे, मरकटासन करें, पवन मुक्तासन करें और वेट कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी अभी बताने वाले हैं, तीन उपाय जरूर करें। एक तो खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाली, अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें, ये तीन काम तो उपचार के लिए। और आहार के स्तर पर, आहार के स्तर पर ये करें, सुबह सुबह लौकी का जूस, दोपहर को जो भी जिसको खाना खाना है लगभग 12 बजे के आसपास पूरा आहार ले लें, और शाम को जिनको बहुत ही भूख लगती है वे थोड़ा फलाहार ले ले, नहीं तो दुग्धाहार ही करें। ये तो ज़्यादा खाते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है।
ज्यादा खाने से शरीर की पूरी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है, हमारी ऊर्जा अपने हार्ट को मेंटेन करने में, हमारे ब्रेन को, आंखों को, कानों को, लिवर को, किडनी को, आंतों को, हड्डियों को, चमड़ी को, पूरे शरीर को संभालने में ऊर्जा लगनी चाहिए। हमारी पूरी ऊर्जा लग रही है खाने में, पूरी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है भोजन को पचाने में, भोग में पूरी ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है। तो इसलिए भोग को छोड़ करके योग में लगना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना पड़ेगा।